जय गुरुदेव, जय महर्षि। यहाँ इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि हमने बहुत सारे स्ट्रिप्स बना के रखी है पेपर की, और यहाँ 10 भाग में हमने डिवाइड किया सभी को। आप 12, 15, 18, 20 इक्वल पार्ट में एक 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 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है लेके आप कर सकते हैं। हाँ, तो सपोज आपको 7/18 लिखाना, तो 18 पार्ट आप बना लीजिए और 2 स्टेप बनाइए। 18 मतलब 18 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़े आप 2 बनाए। उसमें से एक को पूरा कलर कर दीजिए सपोज ब्लू कलर में, और दूसरा अगर आपको 7/18 लिखना तो उसके सिर्फ 7 सेंटीमीटर तक कलर करिए, बाकी खाली छोड़ दीजिए। अब दोनों को कलर को कंपेयर करिए आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी। ये 18/18 वाली पूरी, जिसको आप 18 पार्ट, जो 18 सेंटीमीटर की लेंथ है, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, तो पूरे के 18 पार्ट के 18 पार्ट आपने कलर किए हैं। तो और दूसरे में 18 पार्ट में से 7 में कलर किए। तो अब आप कंपेयर दोनों को साइड बाय साइड रख के करेंगे तो देखेंगे कि ये जो 1 है, 18/18 मतलब 1, 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एनी अदर प्रॉपर फ्रैक्शन। या हम कहें कि प्रॉपर फ्रैक्शन, हम क्या वेरीफाई करें, एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। तो हमने यहाँ 10 से लिया है। अब जो भी करना हो हमने आपको बताया, वैसे आप कर सकते हैं। अब ये हमने ये लिया है, ये वाले ये 10 में हम डिवाइड कर दिया है, तो ये 10 को पूरे कलर किया, तो 10/10 लिख सकते हैं हम इसको। 10/10 मीन्स 1, या उसको सिंपलीफाई। अब ये क्या होल हो गया, ये 1 होल, इस 1 होल के बराबर ये 1 होल है। और इस में अब हम कंपेयर करेंगे, ये 3/5 को हम कंपेयर करेंगे इससे, तो ये क्या हो गया हमारा, 3/5 इज लेस देन द 1। अब ये क्या है, 4/5 है, तो 4/5 को कंपेयर करें, देखिए साइड बाय साइड रख के भी देख सकते हैं, तो ये भी क्या हुआ हमारा, ये ओवरलैप करके देख सकते हैं, तो ये इतना पार्ट एक्स्ट्रा है मतलब ये बड़ा है। अब हम इसी तरह से इसको भी चेक करें 9/10 को, तो 9/10 भी ये है, ये क्या है 1/5, इससे जब छोटा है तो ये भी है। इसी तरह इनको और इनको कर सकते हैं। अब ये हमारे क्या हुए, हमने इनको यहाँ पर ये फ्रैक्शन किया है। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन वर्ड समझिए, प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो। ये 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, 5। एक्चुअली ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6/10 उसको हमने रिड्यूस किया, मतलब लोएस्ट फॉर्म में लिखा, तो 3/5 आया। ये 8 था आउट ऑफ 10, तो 8/10 लिख सकते हैं, मगर 8/10 को 2, 2 से डिवाइड किया ऊपर नीचे आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो 4/5 आया। यहाँ ये 9 पार्ट है आउट ऑफ 10, तो 9/10 ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे सिंपल हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों किसी भी नंबर से कट नहीं सकते हो एक्सेप्ट 1। तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे हम तो वही आएगा। ये 2 पार्ट है आउट ऑफ 10, तो 2/10 लिख सकते थे, मगर 2/10 को सिंप्लीफाई किया तो 1/5 आ गया आपका। तो ये न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, हियर आल्सो लेस देन, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, दीज आर द प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी
प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन में, चाहे तो दिख नहीं रहा हो तो हम इसको इधर ले लेते हैं, थोड़ा चांसेस डाउटफुल रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमने 5 लिया आउट ऑफ 10, तो 5/10 लिख दिया हमने, और जब कैंसिल करेंगे तो ये मतलब डिडिस फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2, दोनों 5/10 दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। ये 7/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कोई कुछ नहीं करना। ये 4/10 है, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे 4/10 को तो 2/5 आएगा, ये आप जानते हैं, है ना। तो अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इम प्रॉपर फ्रैक्शन एक आदमी दिखाता हूँ कि आप बताइए कि कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन और कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। शायद नहीं हो रहा, तो ये हम ये इसमें क्या डिवीजन नहीं आएगा, हम कुछ कोशिश भी करें तो डिवाइड डिवीजन बाय में नहीं लिख सकते। सपोज एक नंबर है, आप ही बताइए, ओरली करते हैं इसको 7/10, 7/10 आप बताइए कि 7/10 प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 7 is less than 10 तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। मान लो 13/5, तो 13 न्यूमरेटर है और 5 इज डिनोमिनेटर, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। मतलब ऊपर वाला जब नंबर है न्यूमरेटर वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। एक नंबर हम ले लेते 30/11, 30/11 अगेन क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 30 is greater than 11। अब एक नंबर ले लेते 19/9, 19 is greater than 9 डिनोमिनेटर, 19 is numerator 9 is the denominator, तो वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। और हम 7/12 लिखे तो 12 डिनोमिनेटर एंड 7 इज न्यूमरेटर, तो 12 क्या है, 7 इज लेस देन द 12, तो न्यूमरेटर इज ग्रेट लेस देन द डिनोमिनेटर। तो इस तरह हम कर सकते हैं, अगर आप देखना चाहे तो हम इसको एक दो आपको नंबर लिख के बता सकते हैं। इसमें थोड़ा दो प्रोग्राम चल रहा है तो इट विल टेक टाइम। हाँ यहाँ देखिए ये हम ले लिया, चलो यहाँ 13/14 और यहाँ 5 लिख देते हैं। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए आप क्लियरली, ये क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम एक और इसके बगल में एक नंबर ले दे देते हैं, ये हमने लिया 13/4, 13/4, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और हम ये कर लेते हैं, एक और देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर ले लिया हमने, इसको लिख देते हैं 5/14, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि हियर 5 is less than 12, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, हियर आल्सो न्यूमरेटर 14 इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो ये दो, ये हमारे ये दो हो गए
क्या कहें इनको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको अगर हम इससे तरह से, तो इस तरह से हम ये आपको ये कॉन्सेप्ट बताई होगा, फिर भी हमने आपको बता दिया। तो ये देखिए, फिर हम इसी पर आ गए, और ये हमने यहाँ क्या सीखा, वे हमने वेरीफाई किया कि एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन वन, एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन वन। ये बात आप याद रखिए। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जय गुरुदेव, जय महर्षि।